हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सोल्यूशन। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड हैव कंप्लीटेड अप टू टू एक्सरसाइजेस, दैट इज एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2। नाउ आई हैव टेकन एक्सरसाइज 5.3 एंड इन दिस एक्सरसाइज वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 एंड सो दिस इज दिस क्वेश्चन आर ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन सेइंग हियर। यदि ए इज टू बी, दिस इज पेज नंबर 97। ओके, एंड इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, देन प्रमाणित करें, मतलब कि हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी बाय बी प्लस सी होल टू द पावर होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसी के बेस में थर्ड 3 क्वेश्चन है, तो इसे हमें सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो इसे हम फटाफट कर लेते हैं। ओके ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि दिस इक्वल्स दिस। अब यहाँ पे देखो, ए इज टू बी इक्वल्स बी इज टू सी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, मैं यहां से आंसर करना स्टार्ट कर रही हूँ। ए इज टू बी इक्वल्स बी इज टू सी, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, ए बाई बी इक्वल्स बी बाई सी, क्योंकि इज टू का मतलब ये होता है बाई। ठीक है, इक्वल्स के मान लेंगे लेट। ठीक है, हमने इसको के मान लिया, दैट इज हम यहां से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं बी के, एंड बी का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं सी के, सी मल्टीप्लाई के और बी मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो इस तरह ए का वैल्यू बी के हो गया, बी का वैल्यू सी के हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ए का वैल्यू बी के है और बी का वैल्यू क्या है सी के है, तो यहाँ पे हम बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं सी के। सी के इंटू के क्या हो गया सी के स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या हो गया सी के स्क्वायर और बी का वैल्यू क्या हो गया सी के। ओके, अब हमारे पास एलएचएस ये है। एलएचएस में क्या है, ए प्लस बी बाई ए माइनस ए प्लस सी होल होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ए प्लस बी में ए का वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर, सी के स्क्वायर पुट कर दिया हमने। ठीक है, और बी का वैल्यू क्या है सी के है। फिर नीचे देखो, ए का वैल्यू कितना है सी के स्क्वायर, इसे हम पुट कर देंगे और सी को सी ही रहने देंगे होल स्क्वायर। अब यहां से सी दोनों में है, सी और के दोनों में ही कॉमन है सी के, इसमें भी सी के है इसमें भी सी के, तो सी के बाहर निकल जाएगा, तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर के साथ ही बाहर निकलेगा। यहाँ बचा क्या, के बचा सिर्फ, के प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, बाय यहाँ पे भी देखो आप कि सी और सी दोनों में है, तो सी बाहर निकलेगा, लेकिन होल का स्क्वायर है तो सी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे बी है, तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ बी प्लस सी है और बी का वैल्यू हमारे पास क्या है सी के है, तो यहाँ पे ओनली सी के होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे सी कॉमन निकालते हैं तो सी स्क्वायर बाहर आएगा और यहाँ पे के प्लस वन। ठीक है, के प्लस वन की होल स्क्वायर, तो टोटल का होल स्क्वायर था, इसलिए होल स्क्वायर के टर्म में सारे आए हैं, और ये पूरा कट जाएगा, ऊपर में क्या बचाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, क्या आ गया के स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस कितना आ गया के स्क्वायर। ओके, अब उसी तरह हम आरएचएस प्रूफ करेंगे। आरएचएस में हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू हमारे पास क्या है सी के स्क्वायर पुट कर देंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है बी का सी के, और होल स्क्वायर है तो सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा बाय। अच्छा, ए स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे सी के स्क्वायर सिर्फ ए का वैल्यू है, तो ये टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या है बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है सी के और उसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज सी के का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब यहां से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हो जाएगा क्या सी का पावर 2 और के का पावर 4 प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर बाय यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से कॉमन क्या ले लेंगे सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि के स्क्वायर भी दोनों में है। ठीक है, तो यहां से हम सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे के स्क्वायर एक बच जाएगा प्लस ये पूरा निकल गया तो 1 बाय यहां से सी स्क्वायर सिर्फ कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा के स्क्वायर प्लस 1। अब ये और ये पूरा कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, कितना बचा के स्क्वायर, दैट इज एल एच एस इक्वल्स आर एच एस आ गया। हम लिख देंगे यहाँ पे एल एच एस इक्वल्स आर एच एस एंड हेंस प्रूफ। ठीक है,
क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, यहाँ रिपीटेड हो रहा है क्योंकि ये एक वो क्रमिक समानुपात कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है, इसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो फोर का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह का है, ये LHS है, ये RHS, सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। LHS में हम क्या ले लेंगे, इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1/a³ + 1/b³ + 1/c³। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है, सी के स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी सी स्क्वायर k^4। बी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर, और सी स्क्वायर है तो बस सी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, सबका वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद क्या है, 1/a³। ए का क्यूब मतलब कि इसका क्यूब, सी सी के स्क्वायर का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, सी का पावर 3 एंड के का पावर 6। तो सी का पावर 3 के का पावर 6, देखो डायरेक्ट पुट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा होता है। ठीक है, 1/b³ है तो बी का क्यूब इसका क्यूब होल का पावर 3, दैट इज सी क्यूब के क्यूब हो जाएगा 1 + 1/c³। ठीक है, अब यहां से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर c^6, सब पावर ऐड हो जाता है, और यहाँ पे k का पावर 4 है, यहाँ 2 है, दैट इज k का पावर भी 6। नीचे में क्या है, ये है, इस वाले पार्ट में देखो कुछ कॉमन है, c³ 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 तीनों में कॉमन है, तो 1/c³ कॉमन निकाल लिया हमने, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 1/k^6 + 1/k³ + 1, क्योंकि ये पूरा 1/c³ हमने कॉमन निकाल लिया था। अब इससे ये कटेगा तो c³, दैट इज क्या आ गया, c³ k^6 into 1/k^6 + 1/k³ + 1, इस तरह आ गया हमारा LHS। इसे चाहे तो अंदर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ये पूरे को, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जाए कुछ कटेगा इसलिए, तो यहाँ पे c³ k^6 / k³ k^6 + इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, c³ c³ k^6 / k³ + c³ k^6। तो इसको जब काटेंगे तो ये और ये पूरा कट जाएगा, c³ हो जाएगा प्लस k का क्यूब और k का 6 कट के c³ k³ आएगा प्लस c³ k^6, इस तरह का टर्म आ गया हमारा। ठीक है, ये LHS है। अब हम करते हैं RHS। देखो यहाँ जगह की कमी है तो यही करना होगा। RHS में हमारा क्या है, ये है a³ + b³ + c³ है RHS में, तो a का वैल्यू कितना है, c² द होल क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब मतलब सी के का होल क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ सी का पावर 3 एंड k^6 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे c³ k³ यहाँ पे सी क्यूब। अब ये देखो ये पूरा टर्म इससे पूरा बिल्कुल मिलता है, सी क्यूब यहाँ है, सी क्यूब है, सी सी का क्यूब के का क्यूब है, ये भी मिल गया, और c^k^6 c³ ये भी मिल गया, मतलब कि LHS इक्वल्स RHS हो गया, एनहेंस RHS एनहेंस प्रूव। ठीक है, तो बस वैल्यूज अच्छे से पुट करना है, आंसर आना ही आना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका, ये आप इसी तरह बना सकते हैं जैसे बाकी टू क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, बिल्कुल ही इजी है, बस सारे वैल्यूज पुट कर देने हैं और यहाँ पे RHS में 1 लाना है। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना, इसके लिए ये मैं स्किप कर देती हूँ, ठीक है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में मूव करते हैं डायरेक्टली। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है कि ए कॉमा बी कॉमा सी क्रमिक समानुपाती होने भी प्रमाणित करे कि दिस इक्वल्स दिस एंड दिस इक्वल्स दिस। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है कि नहीं, मैं देख लेती हूँ। फाइव में नहीं, फाइव का दो ही क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्रमिक समानुपाती का मतलब क्या होता है, क्रमिक का मतलब कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, इसका मतलब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी इक्वल्स सी बाई डी। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कहला गया, इसको हम के मान लेंगे लेट, क्योंकि ये के मेथड से हम बना रहे हैं तो हमने इसे के मान लिया। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए इक्वल्स बी के एंड बी इक्वल्स सी के एंड डी इक्वल्स सॉरी एंड सी इक्वल्स डी के। अब देखो कि डी के जो है सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे डी के इंटू के दैट इज क्या आ जाएगा, डी के स्क्वायर। अब यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बी के का वैल्यू कितना आया, बी का डी के स्क्वायर, तो डी के स्क्वायर इंटू के दैट इज क्या आ जाएगा, डी के क्यूब।
तो इस तरह इस कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की वजह से ए का वैल्यू डी के क्यूब हो गया, बी का वैल्यू डी के स्क्वायर एंड सी का वैल्यू डी के। ठीक है ओके, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके अब यहाँ पे हम एलएचएस आरएचएस मैं यहीं पे मान लेती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं, इस पूरे को एलएचएस आप प्लीज रिपीट लिख लेना और इसको हम आरएचएस मान लेते हैं। आरएचएस तो ये इक्वल्स, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू क्या है, डी के क्यूब, दैट इज डी के क्यूब का होल स्क्वायर लिखेंगे हम, प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, डी के स्क्वायर दी होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर को भी हम चेंज करेंगे डी के स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सब पे स्क्वायर का साइन था इसलिए हमने स्क्वायर 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 कर दिया। ओके उसके साथ एक और है यहाँ पे अटैच बी स्क्वायर है तो डी के स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो सी का वैल्यू कितना है, डी के दी होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है तो इस तरह हमारे पास वैल्यूज हमने पुट कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या हो गया, डी स्क्वायर के टू द पावर 6 प्लस डी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू इंटू यहाँ पे डी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है अब यहां से देखो क्या क्या वैल्यूज हमारा कॉमन में आएगा, डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर सब में है तो डी स्क्वायर, के स्क्वायर भी सब में है, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, के स्क्वायर है, इसका मतलब के स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है तो के स्क्वायर को भी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, के टू द पावर 4 प्लस ये तो डी निकल चुका है, के स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे ये पूरा निकल गया तो 1। ठीक है अब यहां से क्या कॉमन जाएगा, डी स्क्वायर सब में है, डी स्क्वायर कॉमन जाएगा और कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वाले डिजिट में सिर्फ डी स्क्वायर है तो के तो कॉमन निकाल नहीं सकते, क्या बचेगा, बचेगा के टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो ये दोनों चीजें ना रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, अच्छा बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन था ना जी, तो ये दोनों रिपीट हो रही है तो इसे हम होल स्क्वायर ले सकते हैं तो इसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डी टू द पावर 4 के स्क्वायर एंड के टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहा है और मल्टीप्लाई में है तो इसको हमने होल स्क्वायर कर दिया। एलएचएस हमारा पूरा हो गया, अब हम आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं। आरएचएस में क्या है, राइट हैंड साइड में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए का वैल्यू डी के क्यूब हमने पुट कर दिया प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है डी के स्क्वायर कर दिया हमने प्लस यहाँ पे बी है तो डी के स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू डी के प्लस सी का वैल्यू कितना है डी के है इंटू डी, सबका वैल्यू पुट कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है अब यहाँ पे डी 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 स्क्वायर हो जाएगा के टू द पावर 6 ओके प्लस डी इंटू डी डी स्क्वायर के टू द पावर 3 प्लस डी इंटू डी डी स्क्वायर के दी होल स्क्वायर। ठीक है अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर सब में है तो डी स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालेंगे ऊपर में पावर 2 है तो वो डी स्क्वायर में एक और पावर 2 चढ़ जाएगा तो डी टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है अब के सब में है तो के भी बाहर निकलेगा लेकिन के जब बाहर निकलेगा तो पावर में 2 था तो के का पावर 2 हो जाएगा। अब हमने क्या क्या निकाला था, डी स्क्वायर निकाला था तो ये गायब हो जाएगा के टू दी, और के स्क्वायर निकाला था के टू द पावर 4 बचेगा। ठीक है यहां से हमने के निकाला था सॉरी हमने के निकाला था ना तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 3 प्लस 2 5 होता है ना, आई एम सो सॉरी यहाँ 5 होगा। ओके तो यहां हमने के निकाला था तो बाहर जाके के स्क्वायर बन गया था, ये के टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे भी हमने के निकाल लिया था और डी स्क्वायर तो पहले निकल चुका है तो के निकालने के बाद ये बन जाएगा के स्क्वायर और यहाँ पे ये पूरा निकल गया था। ठीक है डी स्क्वायर के तो ये 1 दी होल स्क्वायर, तो आप देखो कि ये पूरा एलएचएस के बराबर आ गया, हेंस हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल्स आरएचएस एंड हेंस इट इज प्रूफ। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 5th भी इसी तरह रिपीटेड जो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है वो इसी तरह बनेगा, 5 का ही 1 नंबर था। ओके 5 का 1, अब हम करते हैं 5 का 2। ओके अब हम क्वेश्चन नंबर 2nd करते हैं 5th का ही, सेम वो वाला जो है ए बी और सी का वैल्यू सेम रहेगा और यहाँ पे हमें एलएचएस और आरएचएस ले लेना है तो यहीं पे मैं डायरेक्टली एलएचएस ले लेती हूँ और इसे मैं आरएचएस बना लेती हूँ। ठीक है a माइनस डी होल स्क्वायर आरएचएस। ठीक है ओके तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है डी के स्क्वायर तो यहाँ पुट कर देंगे डी के स्क्वायर, सारे डी के फॉर्म में होंगे क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पे डी के है। ठीक है
तो डीके स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू कितना है, डीके है तो हम यहाँ पे डीके पुट कर देंगे, डी होल स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू डीके माइनस ए का वैल्यू डीके क्यूब, ठीक है, प्लस बी का वैल्यू कितना है, डीके स्क्वायर माइनस डी होल स्क्वायर, ठीक है, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ पे जो जो कॉमन रहता है वही निकालना पड़ता है, ठीक है, तो डी डी इंटू डी डी दोनों में कॉमन है, डी बाहर निकलेगा तो बाहर भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ से के और के भी बाहर निकल सकता है तो ये भी के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, डी के हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ सिर्फ के बचेगा माइनस वन डी होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी देखो डी डी कॉमन है, अच्छा यहाँ स्क्वायर था तो डी स्क्वायर निकल जाएगा, के और के भी कॉमन है, सी माइनस ए था ना तो यहाँ से के कॉमन निकल जाएगा तो के स्क्वायर बन जाएगा बाहर जाकर के वन माइनस के स्क्वायर। जब डी के निकल गया यहाँ से तो यहाँ पे डी निकल गया और के एक निकल गया तो के स्क्वायर बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे डी कॉमन है तो डी बाहर निकलेगा तो डी स्क्वायर बन जाएगा और कुछ भी नहीं चेंज होगा तो के स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का बन गया हमारा। अब हम इसे क्या करते हैं कि इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे ये के माइनस वन वन माइनस के स्क्वायर, और इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके अब सिंप्लीफिकेशन बहुत ध्यान से करना होगा, यहाँ पे देखो कि डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर तीनों में है तो डी स्क्वायर ही हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, जो बचेगा वो लिख देते हैं के स्क्वायर, के माइनस वन दी होल स्क्वायर है ना तो ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू के बी की जगह पे वन है प्लस वन, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी के स्क्वायर था पहले से और यहाँ वन माइनस के स्क्वायर दी होल स्क्वायर था तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी, तो ए के जगह पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू के, टू इंटू वन इंटू के यानी कि टू के हो जाएगा, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी के जगह पे के का स्क्वायर है तो के टू द पावर फोर हो जाएगा, ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस टू ए बी तो बी के जगह पे तो के स्क्वायर है तो यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा, ओके और यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर तो हमने पहले कॉमन ले लिया है, के माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो ए स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर फोर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब कि टू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे वन है तो प्लस वन, ठीक है, तो इस तरह हमारा यहाँ पे हमने तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, ओके अब डी स्क्वायर यहाँ बाहर में पहले से था, अभी सिंप्लीफाई हो चुका है तो इस के स्क्वायर को अंदर में हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये के टू द पावर फोर हो गया, माइनस टू के क्यूब हो जाएगा प्लस के स्क्वायर, प्लस यहाँ पे के स्क्वायर माइनस टू के टू द पावर फोर, अच्छा यहाँ पे के टू द पावर फोर, यहाँ पे माइनस टू के टू द पावर फोर और प्लस के टू द पावर सिक्स, और यहाँ जो है उसको लिख देंगे प्लस के पे पावर फोर माइनस टू के स्क्वायर प्लस वन, इस तरह आ गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ देखो टू के क्यूब है, के टू द पावर फोर है और कहीं पे है के टू द पावर फोर, यहाँ है तो हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है, अच्छा के टू द पावर सिक्स सबसे बड़ा है ये, इसमें कहीं पे भी नहीं है तो सबसे पहले के टू द पावर सिक्स, के टू द पावर फोर, के टू द पावर फोर, टू के टू द पावर फोर माइनस टू के क्यूब कहीं पे भी नहीं है तो इसको लिख देंगे माइनस टू के क्यूब, यहाँ पे माइनस टू के स्क्वायर है, यहाँ पे के स्क्वायर मतलब प्लस टू के स्क्वायर हो गया तो ये पूरा कट जाएगा इसके साथ, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, टू के टू पावर हो गया, ये क्यूब भी हो गया और ये सिक्स भी हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है तो हमारे कितना आ गया, के टू द पावर सिक्स, के टू द पावर सिक्स माइनस टू के टू द पावर फोर, के टू द पावर फोर एक यहाँ पे है और एक यहाँ है, ओ सॉरी एक के टू द पावर फोर यहाँ है और एक यहाँ है, ये वन प्लस वन टू हो गया और ये यहाँ माइनस टू है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली क्या बचा, के टू द पावर सिक्स, ठीक है, इसके बाद ये बचा माइनस माइनस टू के क्यूब प्लस वन, ये बचा हमारे पास, ठीक है, के टू द पावर सिक्स माइनस टू के क्यूब प्लस वन बचा, तो अब ये ध्यान से देखो कि फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, किस तरह, अगर हम इसको इस तरह चेंज कर दें कि यहाँ पे बाहर में डी स्क्वायर पहले से था, यहाँ पे के क्यूब का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, ए के जगह पे क्या है के क्यूब, बी के जगह पे वन,
टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वन। अब यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के टू द पावर सिक्स आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू की क्यूब प्लस वन, और ये फॉर्मूला बैठ गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर इंटू के क्यू माइनस वन दी होल स्क्वायर, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया, तो इसे हम फॉर्मूले की तरह यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि आरएचएस में क्या है, ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आरएचएस में क्या है, ए माइनस डी दी होल स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है डी के क्यूब, डी के क्यूब माइनस डी दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से डी और डी कॉमन आएगा, लेकिन जब कॉमन बाहर निकलेगा तो स्क्वायर उसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा है के क्यूब माइनस वन दी होल स्क्वायर। ये और ये देखो दोनों ही इक्वल आ गया, दैट मीन्स एल एच एस इक्वल आ गया कितना आर एच एस के बराबर, एंड हेंस इट इज प्रूफ्ड। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट कर लिया जो कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के साथ था, और ये बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, तो बहुत ध्यान से ईच एंड एवरी पॉइंट आपको ध्यान से देखना होगा कि कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है, अगर मिस्टेक किया है तो वो नहीं बनेगा, अगर मिस्टेक नहीं हुआ है तो बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज तक बस इतना ही, और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।